एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आप लोग कैसे, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी अच्छी तरीके से होंगे फ्रेंड्स, और आप लोगों की गार्डनिंग भी अच्छी चल रही होगी। ये देखिए फ्रेंड्स, समर सीज़न स्टार्ट होते ही सारे ये बिन का में फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। देखिए कितनी अच्छी तरीके से फ्रेंड्स जो है ये खिल रहे हैं, ये और इनके फ्लावर भी हैं। थोड़ा सा साइज़ फ्लावर का अच्छा हो रहा है। विंटर में तो इनके फ्लावर छोटे छोटे होते थे और उनका कलर भी फेड होता था ये फ्रेंड्स। और मैंने ये सारे जो फ्रेंड्स ये मास रोज़ लगाए, ये देखिए सब की ग्रोथ अच्छी हो रही है। अब ये थोड़ा थोड़ा ये बढ़ने लगे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, छोटी छोटी सी बॉटल में भी जो मैंने ये सदाबहार के ये प्लांट्स लगाए हुए हैं, ये कितनी अच्छी तरीके से फ्रेंड्स चल रहे हैं। और ये मास रोज़ और ये पर्सलेन, अब इनकी ग्रोथ फ्रेंड्स अच्छी हो रही है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी फ्रेंड्स, इनकी ग्रोथ अच्छी होने लगती है और इनमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट होने लगती है। और फ्रेंड्स ये देखिए, मेरे ये अडेनियम में भी ये देखिए ये बड आ गई है, और अब इनकी भी ग्रोथ कितनी अच्छी हो गई है फ्रेंड्स। सारे प्लांट्स में फ्रेंड्स कलियां हैं, और फ्रेंड्स अभी भी मेरा ये पिटूनिया के फ्लावर जो है फ्रेंड्स ये खिल रहे हैं, इनको मैंने हटाया नहीं है। और जब तक कि ये खिलते रहेंगे फ्रेंड्स, इनको मैं नहीं हटाऊंगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे गजानिया के फ्लावर भी ये खिल रहे हैं। ये अभी इन पर सनलाइट नहीं पड़ी है, जैसे ही सनलाइट इन पर पड़ती है ये पूरी तरह से ये खिल चुके होते हैं ये फ्रेंड्स। और ये मेरे सदाबहार, और ये देखिए फ्रेंड्स, समर सीज़न आते ये देखिए, ये आज ये एक फ्लावर ये पर्सलेन का ये खिला हुआ है। और ये पिटूनिया देखिए फ्रेंड्स, अभी भी ये खिल रहे हैं। ये देखिए, ये सारे ये पिटूनिया हैं ये, और ये मेरा गजानिया। डेंथस में भी फ्रेंड्स एक दो फ्लावर आ ही जाते हैं, इनको मैं अभी नहीं हटाऊंगी। और ये पेंजी ये भी खिल रहे हैं फ्रेंड्स। ये देखिए पिटूनिया कितनी अच्छी तरीके से फ्रेंड्स ये ब्लूम कर रहा है। और ये मेरे सारे रोज़ प्लांट पे ये देखिए फ्रेंड्स, फिर से ये बड आना शुरू हो गई है, और सब में नई नई ये फ्रेंड्स ये देखिए शूट आ रही है। और ये लेकिन फ्रेंड्स, समर सीज़न आते ही रोज़ का साइज से छोटा हो जाता है फ्रेंड्स। ये देखिए, और ये देसी रोज, ये हाइब्रिड है फ्रेंड्स। ये देखिए सबके साइज फ्रेंड्स ये देखिए छोटे होने लगते हैं ये। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा एमरिल्ड का फ्लावर देखिए, इसका साइज कितना बड़ा है ये एमरी लिलीस फ्रेंड्स। बहुत ही खूबसूरत लगता है जब इसके बहुत सारे कलर जब खिलते हैं गार्डन में, तो बहुत ही खूबसूरत होता है। बहुत सारे कलर फ्रेंड्स आते हैं इसके। और ये देखिए फ्रेंड्स, सब बहुत अच्छी तरीके से ये खिल रहे हैं ये। समर सीज़न में फ्रेंड्स एमेरिलिस के फ्लावर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये। आपके गार्डन में जब फ्लावर फ्रेंड्स जा रहे होते हैं, तब ये अपने फ्लावर देते हैं हमको फ्रेंड्स। फरवरी और मार्च में जब फ्लावर फ्रेंड्स खिलना बंद हो जाते हैं, तब इनके फ्लावर खिलना शुरू होते हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये। और ये वर्बीना देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये भी खिल रहे हैं ये सारे प्लांट्स की फ्रेंड्स। ये देखिए ग्रोथ अच्छी हो रही है। ये देखिए, इन सब की मैंने कटिंग कर दिया था सिंगोनियम एरोहेड
और सबकी ग्रोथ फ्रेंड्स अब अच्छी हो रही है। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। हैप्पी गार्डनिंग।